बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं काले चने। काले चने बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो ये हैं। यहाँ पे मैंने प्रेप तैयार करके रखा है। कच्ची प्याज है, हरी मिर्च है, आपके टेस्ट के ऊपर है, मैंने धो ली हैं। थोड़ा सा हरा धनिया है, धो के इसको काट लें। आधा नींबू है, इमली की चटनी मेरे पास बनी हुई होती है। कुटी मिर्च का पाउडर है इसमें। चाट मसाला है। काले चने बनाने के लिए मैंने काले चनों को ओवरनाइट भिगोया था 1 टीस्पून बेकिंग सोडे के साथ। फिर सुबह में वो पानी आप फेंक दें। अब मैंने दूसरा साफ़ पानी लिया है और नमक लेंगे। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे हम काले चनों को। और पानी ज़्यादा रखना है ताकि चने देर से गलते हैं, गल जाएँ अच्छी तरह। और अब इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून नमक। पानी अगर ज़्यादा भी हो जाए तो आप बाद में फेंक सकते हैं। 30 मिनट्स के लिए इसको हम पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद प्रोसेस दिखाएंगे कि क्या करना है। इस तरह से इसको हमने उबाल आने पे ढक के पकने रख दिया था। इस टाइम पे आप चेक कर सकते हैं कि गले या नहीं। अभी थोड़े सख्त हैं। 20 मिनट्स का टाइमर लगा दें। चने हमारे गल गए, इसको पानी खुश कर लें। बिल्कुल जितना आपको गलाना था उतना रखना था इसमें। अब इसको मैं निकाल लूँगी। इसमें देखें पानी बिल्कुल नहीं है। इसको पतीली से निकाल लूँगी और दूसरी पतीली में फ्राई करूँगी मैं मसाले को। आपकी चॉइस है कि आप बघार करके बनाते हैं चनों को या बगैर भगरे हुए। सबसे पहले मैं इसमें आधी प्याज इसमें डाल दूंगी और आधी मैं छोलों में डालूंगी, काले चनों में। थोड़ी सी हरा धनिया और हरी मिर्च मैंने अभी डाला है और थोड़ा सा मैं कुकर से डालूंगी। इसको हल्का सा सौते करेंगे हम। कुटी मिर्चों में मेरे पास होता है धनिया, जीरा और साबुत लाल मिर्च। इन सबको मैं भून कर पीस लेती हूँ। थोड़ा सा डालूंगी इसमें मैं चाट मसाला। चटनी आप अपने हिसाब से डालेंगे, जितना आपको टेस्ट रखना है। इसमें डाल दी हूँ मैं ये इमली और पुदीने की चटनी है। ये डाल दिए इसमें खजूर की चटनी। इस टाइम पे मैं इसमें नींबू निचोड़ूंगी। नींबू आपके टेस्ट के हिसाब से कि आपको कितना खट्टा रखना है। मैंने आधा नींबू निचोड़ा है। थोड़ी सी प्याज मैं डालती हूँ फ्राई करके और थोड़ी सी ऊपर से डालती हूँ, क्योंकि मुझे क्रंचीपन ज़्यादा अच्छा लगता है चनों में आता हो। ये डन है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। चनों को मैं अब निकाल रही हूँ उसमें। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। टेस्ट में भी ये बहुत मज़े के बनते हैं। इसको आप गार्निश कर लें। थोड़ा सा मैं इस पर डालूंगी चाट मसाला और थोड़ी सी डालूंगी इसमें
कुटी हुई मिर्चें, पुदीने और इमली की चटनी थोड़ी सी ऊपर से डालेंगे हम। बनाकर ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू।